इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है, पर वो अभी अनाउंस नहीं हुई है। पर मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के लिए इंडिया की टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होगी और वो कितने बजे अनाउंस होगी। साथ ही मैं बताऊंगा कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के लिए कौन से 15 प्लेयर चुने जा सकते हैं जो कि टेस्ट मैच खेलेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के लिए प्लेयर बहुत ही ज्यादा फेवरेटिज्म से नहीं चुने जाएंगे, जिसका सीधा साधा यही मतलब है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के लिए प्लेयर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पर ही चुने जाएंगे। वेल, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा। इन दो टेस्ट मैचों के स्क्वाड के लिए इंडिया अपना स्क्वाड अनाउंस कर सकती है 5 सितंबर के बाद। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि टीम इंडिया अपना स्क्वाड 5 सितंबर के बाद अनाउंस करेगी, क्योंकि 5 सितंबर को पहला दुलीप ट्रॉफी का मैच खेलने जाने वाला है टीम ए और टीम बी के विरुद्ध, और उसके बाद टीम सी और टीम डी का मैच भी होगा। इन्हीं मैचेस के रिजल्ट के बेस पर प्लेयर चुने जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिया टीम के मेन प्लेयर दुलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं, जैसे कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और भी बहुत ज्यादा प्लेयर है दुलीप ट्रॉफी खेलेंगे। सो गाइस, मैं आपको टॉप 8 ऐसे प्लेयर बताने जा रहा हूं जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज में 100% खेलेंगे। वो प्लेयर्स है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और लास्ट में रविचंद्रन अश्विन। ये प्लेयर है जो टॉप 8 प्लेयर हो सकते हैं जो मेरे मायने में 100% इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में खेलेंगे। वेल गाइस, ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप कोई भी क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस मिस ना कर पाएं।